गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ टफ एंड ड्राइनेस रहती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता है, जो नेचुरल ग्लो होता है वो नहीं रहता है। कितना भी फेस पैक और या DIY है या फेस वॉश है, कितने भी डिफरेंट तरीके के यूज कर लें, बट कोई भी इफेक्ट नहीं आता है फेस पे। सो मैं उन सभी लोगों के लिए आज बहुत ही सिंपल से 5 to 6 टिप लेके आई हूँ, जो आप अगर डेली बेसिस में फॉलो करते हैं तो आपको विद इन 1 मंथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, स्किन में ग्लो आएगा और साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्दी भी नजर आएगी। सो नंबर 1, आपको करना क्या है, आपको डेली मॉर्निंग में 30 मिनट्स तक वॉक करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज प्लस वॉक करने से हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी जो स्किन है, बोन्स है, सभी हेल्दी रहती हैं, तो आपको ये तो जरूर फॉलो करना है। सेकंड वन इज, जब भी आप मॉर्निंग में उठें, जब आप पानी पीते हो, अगर आप सादा पानी पीते हो या गुनगुना पानी पीते हो, उसमें आपको 1 टेबल स्पून हनी ऐड करना है और गुनगुने पानी को सिप सिप करके पीना है। इससे क्या होगा, इससे जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी के वो निकल जाएंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और फेस पे ब्राइटनेस अपने आप आने लगेगी। थर्ड वन इज, अगर आपके स्किन पे जरा सा भी ग्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो आपको फेस वॉश या सोप बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। आपको नॉर्मल दही से, टोमेटो जूस से या दही और बेसन से, इन चीज़ों से अपने फेस को वॉश करना है। जब तक आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप कंटिन्यू ये कर सकते हैं, बट अगर ड्राइनेस है तो आप दही, बिकॉज दही में कुछ मात्रा में फैट भी होता है जो आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। सो आपको जब तक आपकी स्किन से ड्राइनेस नहीं जाती है, आपको कंटिन्यू अपने फेस को दही, बेसन या नॉर्मल जो भी घरेलू चीज़ें होती हैं इनसे ही वॉश करना है। नेक्स्ट वन इज गाइज, आपको विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाने हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन का यूज कर सकते हैं आप, मौसम्बी का, ऑरेंज का, जितने भी खट्टे फल होते हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। उससे हमारी स्किन पे ग्लो भी आता है, स्किन पे निखार भी आता है, साथ ही साथ स्किन हेल्दी रहती है। तो जितने भी विटामिन सी युक्त फल हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट वन, आपको सोने से पहले एक आपको बहुत ही सिंपल सी मैं DIY बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। तो आपको लेना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, अगर एलोवेरा पेस्ट मिल जाता है फ्रेश एलोवेरा से तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, पतंजलि वाओ जो भी आपके पास हो। उसमें आपको ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी और दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसे 30 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए और अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करके मॉइस्चराइजर को थोड़ी ज्यादा मात्रा में लगाएं, क्योंकि नॉर्मल स्किन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो मॉर्निंग तक आपकी स्किन खिली खिली सी बनी रहेगी। सो गाइज, आपको ये जो मैंने DIY बताई हुई है एलोवेरा प्लस हल्दी की, इसे आपको डेली यूज करना है, अप्रॉक्स 1 मंथ तक आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और इससे पहले अगर आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं, फिर आप हफ्ते में एक बार या 5 दिन में एक बार, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइज, आपको खूब सारा पानी पीना है। पानी में बहुत सारे अच्छे मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। अगर स्किन अंदर से हाइड्रेट रहेगी तो स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिकली रहेगा। तो ये तो चीजें हैं जो आपके बॉडी पे अंदर से वर्क करेंगी, लाइक आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स लेंगे या आप ड्राई फ्रूट्स नट्स ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खूब सारा पानी पियेंगे, अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, बाहर से कुछ भी अप्लाई करते रहें और अगर आपके अंदर से बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपको कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी फेस पे। सो गाइज, आपको क्या करना है, खूब सारा पानी पीना है। लास्ट वन में आपको क्या करना है, अगर आपका फेस नॉर्मल है और थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने लगा है बट आपकी स्किन अगर ड्राई है, तो आप फेस वॉश से अगर फेस वॉश करना चाहते हैं तो आप कोई भी फोमिंग फेस वॉश यूज ना करें बिल्कुल भी। अगेन, आपकी फेस से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो हमेशा आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर या क्रीम बेस्ड जो फेस वॉश होते हैं उनका ही यूज करें। कभी भी जेल फॉर्म में जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं उनका यूज ना करें, कोई भी फोम बेस्ड या जेल बेस्ड का फेस वॉश यूज ना करें, हमेशा क्रीम बेस्ड ही यूज करें, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी स्किन हमेशा ऐसे ही हेल्दी और चमकदार बनी रहेगी। सो गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।